स्वच्छंदतावाद पश्चिमी काव्य सिद्धांत की का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है स्वच्छंदतावाद, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, पश्चिम की अवधारणा है। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इन बिंदुओं के आधार पर आप इसका उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है स्वच्छंदतावाद का अर्थ और परिभाषा। स्वच्छंदतावाद का अर्थ और परिभाषा, स्वच्छंदतावाद का इतिहास, स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और उपसंहार। इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम स्वच्छंदतावाद का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म। चलिए देखते हैं प्रस्तावना। स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कदाचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हुए किया है। स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी का जो रोमांटिसिज्म शब्द है उसका हिंदी पर्याय है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है हिंदी साहित्य का इतिहास में। रोमांटिक शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति अथवा वाद के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक शेगल थे। सबसे पहले काव्य की एक प्रवृत्ति के रूप में अथवा वाद के रूप में रोमांटिक शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वे थे जर्मन आलोचक फ्रेडरिक स्लेगल। इन्होंने 1798 से 1800 ईस्वी के बीच इस शब्द का प्रयोग क्लासिसिज्म के विरोधी अर्थों में किया। क्लासिसिज्म मतलब शास्त्रवाद, नियो क्लासिसिज्म मतलब नवशास्त्रवाद, इसके विरोधी अर्थों में। यह भी एक वाद है, यह भी एक साहित्य की प्रवृत्ति है। इसके विरोध में किसका जन्म हुआ था? रोमांटिसिज्म का। तो क्लासिसिज्म के विरोधी अर्थ में फ्रेडरिक शेगल ने स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया रोमांटिसिज्म का। राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद के उदय में अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध और इसके बाद 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म का जन्म दो कारणों से हुआ। पहला, अमेरिका का जो स्वातंत्र युद्ध था, और दूसरा 1789 में जो फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। इन्होंने इसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। फ्रांसीसी क्रांति का यह नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों को भी बराबर आंदोलित करता रहा। 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसमें एक नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व अथवा बंधुत्व। इसका प्रभाव भी रोमांटिसिज्म के उदय में पड़ा, या रोमांटिक कवियों या साहित्यकारों में इस विचारधारा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। वस्तुतः साहित्य के क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद का उदय नवशास्त्रवादी नियमबद्धता, कृत्रिमता, आडंबर प्रियता अथवा शास्त्रवादी या रीतिवादी परंपरा, नियम और तर्क के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। नवशास्त्रवाद मतलब नियो क्लासिसिज्म, यह आडंबर से भरपूर था, इसमें कृत्रिमता थी, नियम कानून का पालन किया जाता था और उसमें तर्क का सहारा लिया जाता था। तो यह सारी चीजें क्या है, इससे ऊब चुके थे लोग, इसीलिए इसके विरोध में रोमांटिसिज्म ने जन्म लिया। इंग्लैंड में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करने वाले दो कवि रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक थे, है ना। वो तो बात हो गई हमारे फ्रांस की, लेकिन इंग्लैंड में इसका मार्ग किसने प्रशस्त किया? रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक ने। वस्तुतः अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ विलियम वॉर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से हुआ। विलियम वॉर्ड्स और कॉलरिज नाम के जो कवि थे उन्होंने मिलकर एक लिरिकल बैलेट से लिखा था 1798 ईस्वी में। इससे ही अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म का प्रवेश हुआ, प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ के बाद कॉलरिज, शेली, बायरन, किट्स, सर वाल्टर स्कॉट आदि अनेक स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों द्वारा इस काव्य आंदोलन का पर्याप्त पल्लवन एवं विकास हुआ। लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन के बाद अन्य भी कवि रोमांटिक कवि रोमांटिसिज्म से प्रभावित हुए, और ये कवि थे कॉलरिज, शेली, बायरन, किट्स, सर वाल्टर स्कॉट आदि।
विक्टर ह्यूगो ने स्वतंत्रतावाद को परिभाषित करते हुए इसे साहित्यिक उदारवादिता कहा है। विक्टर ह्यूगो नाम के जो विद्वान थे, इन्होंने स्वतंत्रतावाद को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? साहित्यिक उदारवादिता, मतलब साहित्य में उदार होना। वाल्टर रेले दूरी के प्रति सम्मोहन इसकी प्रमुख विशेषता मानते हैं। वाल्टर रेले का कहना है जो चीजें अप्रत्यक्ष है, अगोचर है, उनके प्रति सम्मोहन। प्रोफेसर कैजामिया के अनुसार स्वतंत्रतावाद आत्मा का विजय घोष है तथा इसकी भावना प्रेरित कल्पना मूलक मूल प्रवृत्ति है। अर्थात अलग अलग विद्वानों ने स्वतंत्रतावाद को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। स्वतंत्रतावाद आत्मा का विजय घोष, मतलब आत्मा भी व्यक्ति है, स्वयं की अभिव्यक्ति है और इसमें भावना की प्रधानता है, कल्पना की प्रधानता है, यह इसकी मूल प्रवृत्ति है। भारतीय विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रोमांटिक साहित्य को आत्मानुभूति, आवेग धारा एवं कल्पना प्रधान माना है। पश्चिमी विद्वानों ने जो कहा है उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नए तरीके से कहा है कि रोमांटिक साहित्य अथवा स्वच्छंदतावादी साहित्य में किसके प्रमुखता होती है? आत्मानुभूति, स्वयं की अनुभूति, अपने आत्म की अनुभूति, आवेग धारा मतलब इमोशंस और फीलिंग्स, एवं कल्पना प्रधान मतलब इमेजिनेशन, इसकी प्रधानता होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रोमांटिक साहित्य के प्रधान जननी कल्पना एवं आवेग को मानते हैं। कल्पना मतलब क्या होगा? इमेजिनेशन, और आवेग मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस, उसकी तीव्रता, भावनाओं की तीव्रता। डॉक्टर देवराज उपाध्याय आंतरिक स्पिरिट, अंदर की भावना, अंदर के फीलिंग्स, कल्पना, भावोन्माद, कला की सादगी आदि को स्वच्छंदतावाद के प्रमुख लक्षण मानते हैं। मतलब कला की सहजता, सरलता है ना, और कल्पना, भावोन्माद मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस की तीव्रता, इसको स्वच्छंदतावाद का प्रमुख लक्षण मानते हैं। अब हम देखते हैं स्वच्छंदतावाद का अर्थ और परिभाषा। पाश्चात्य साहित्य चिंतन में रोमांटिसिज्म अथवा स्वच्छंदतावाद को प्राय क्लासिसिज्म अथवा अभिजात्यवाद की विरोधी प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं। क्लासिसिज्म जिसे अभिजात्यवाद भी कहा जाता है ना, नवशास्त्रवाद भी कहा जाता है, इसकी विरोधी प्रवृत्ति के रूप में रोमांटिसिज्म को देखा जाता है। अभिजात्यवाद में जहाँ साहित्य के लिए वस्तुपरक शास्त्रीय नियमों का अनुशासन आवश्यक माना जाता है, वहां स्वच्छंदतावाद आत्मपरकता के साथ रचनाकार की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता है। अभिजात्यवाद क्या है? वह नियम कानून से बंधा हुआ है कि इस प्रकार के पोएटिक डिक्शन का हमको प्रयोग करना है, कपलेट का प्रयोग करना है ना, इस प्रकार की भाषा, एक उत्कृष्ट भाषा का चयन करना है, शैली भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, नियम कानून के आधार पर हमको कविता लिखना है। लेकिन स्वच्छंदतावाद क्या करता है? स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि रचनाकार के पास अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता है, वह चाहे तो नियमबद्ध ढंग से काव्य रचना करे अथवा उसकी अपनी विशिष्ट शैली भी हो सकती है, जैसे कि निराला की थी, है ना। निराला जी छंद से मुक्ति चाहते थे, कविता को वो छंद से मुक्ति ही व्यक्ति की मुक्ति मानते थे। ठीक इसी प्रकार स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं, जो रोमांटिक कवि हैं, वो क्या कहते हैं? रचनाकार को रचनात्मक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, किसी भी नियम कानून का पालन करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजी आलोचना में रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग 18वीं सदी के अंत में उभरी एक विशिष्ट प्रवृत्ति के लिए हुआ, जो मुख्य रूप से कविता के क्षेत्र में प्रतिफलित हुई थी, किंतु जिसने साहित्य तथा कला के अन्य क्षेत्रों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जो मुख्यतः कविता के क्षेत्र के लिए हुआ था, लेकिन इसने साहित्य तथा कला के अन्य रूपों को भी प्रभावित किया। रोमांटिसिज्म का सीधा अर्थ रोमांस से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता रहा। ये रोमांस वो रोमांस नहीं है जो आप फिल्मों में देखते हैं या फिर अपने टीवी सीरियल्स में देखते हैं। रोमांस का मतलब यहाँ पर क्या है? अति भावुकता, अत्यंत भावुकता तथा कल्पना प्रधान मनोवृत्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसी प्रवृत्ति जिसके लिए कुछ भी असंभाव्य नहीं है, क्योंकि यह कल्पना परक है और कल्पना में कुछ भी असंभव नहीं है। यहीं से आरंभ होकर इसका प्रयोग मध्यकाल की प्रेम तथा साहसिकता पूर्ण कथाओं और लोक कथाओं के लिए होने लगा। यह रोमांस से तात्पर्य क्या है? मध्ययुगीन प्रेम कथाएं, साहसिक कथाएं, इसके लिए होने लगा। जैसे पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है, पद्मावत, संभव असंभव स्थितियों से जूझते चरित्रों वाली ये कथाएं प्रेम और वीरता के अत्यंत ऊंचे आदर्शों पर आधारित होती थी और इनमें प्राय रहस्यमय अति मानवीय तत्वों का समावेश भी होता था। इन्हीं कथाओं को रोमांच कहा जाता था, मतलब वे कथाएं जिनमें प्रेम भी हो, साहस है ना, उसका जो नायक है वह साहसी भी होना चाहिए, उसमें प्रेम भी होना चाहिए, नायिका भी होनी चाहिए,
तो यह, और एक आदर्श प्रेमी होना चाहिए और वीरता का अत्यंत उच्च आदर्श स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कथाओं को रोमांच कहा गया। 18वीं शताब्दी में प्रयोग तथा क्षेत्र दोनों दृष्टियों से इस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया, मतलब अर्थ फैल गया। फ्रांस में उच्च वर्गीय अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध स्वातंत्र्य भावना से प्रेरित जो जन आंदोलन हुआ था, रोमांस का संबंध उस भावना से भी जोड़ा जाता है। इस अर्थ में वह व्यक्ति या स्थिति विशेष के स्थान पर पूरी मानव की स्वतंत्र चेतना से जुड़ गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में इसका अर्थ क्षेत्र व्यापक हो गया और फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुमोदन किया गया था, उससे भी रोमांस की भावना को जोड़ दिया गया। हिंदी में मतलब मानव की स्वतंत्रता, हिंदी में रोमांटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि इस शब्द से इस सिद्धांत या मनोवृत्ति के एक ही पक्ष का संकेत मिलता है, अर्थात रोमांस का, किंतु यह शब्द रोमांटिसिज्म शब्द के संपूर्ण अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। मतलब हिंदी साहित्य में रोमांटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द रूढ़ हो गया है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में भी रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग तो लंबे समय से होता रहा, किंतु इसके पारिभाषिक अर्थ का निर्धारण बाद में हुआ। रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन पारिभाषिक अर्थों में इसका प्रयोग बाद में किया जाने लगा, इसके अर्थ का निर्धारण हुआ। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1669 में हुआ था। वहां यह शब्द कला चिंतन के संदर्भ में प्रयोग में आया। कला चिंतन के संबंध में सबसे पहले रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया गया था। अंग्रेजी में भी यह शब्द 17वीं शताब्दी में ही आ गया था, किंतु साहित्य के प्रसंग में इसका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं था। इसके सटीक अर्थ के बारे में यूरोपीय साहित्य जगत में काफी समय तक वाद विवाद भी होता रहा, मतलब यह शब्द बहुत ही विवादास्पद रहा। अंततः जर्मनी के श्लेगल, फ्रेडरिक सेगल नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने शास्त्रवाद या क्लासिसिज्म के विपरीत प्रकृति के रूप में इसका अर्थ निर्धारित किया। क्लासिसिज्म के विरोधी अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, श्लेगल ने किया। विडंबना यह है कि इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि अंग्रेजी काव्य की एक प्रवृत्ति के रूप में मिली, किंतु उस प्रवृत्ति से जुड़े प्रख्यात कवियों वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली आदि ने अपने तथा अपने युग के काव्य सिद्धांतों की चर्चा के दौरान कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और न ही वे इसके अर्थ या प्रयोग को लेकर किसी विवाद में पड़े। इसका जन्म तो जर्मनी जर्मनी में हुआ था, फिर फ्रांस में आया, फिर यह अंग्रेजी साहित्य में आया। और अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध कवि हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शेली है ना, इन्होंने इस परंपरा से वे जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसके अर्थ या प्रयोग को लेकर कोई विवाद में नहीं पड़े, कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। क्लासिसिज्म के विपरीत प्रकृति के रूप में इसका अर्थ निर्धारित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्रवृत्ति नकारात्मक या निषेधात्मक है, परंतु इस प्रवृत्ति को परिभाषा के माध्यम से नहीं, इतिहास और प्रवृत्तियों के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब जो रोमांटिसिज्म है, इसे आप परिभाषा के माध्यम से नहीं समझ सकते, इसको कोई सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती। वास्तव में यदि इसको समझना है तो हमको इसके इतिहास को समझना होगा, और इस रोमांटिक जो विचारधारा है उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर हम समझ सकते हैं, इसकी विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक लोकप्रियता इसको अंग्रेजी कवियों के माध्यम से मिली, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिड, शेली, बायरन इत्यादि हैं। तो आइए हम इसके प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। स्वच्छंदतावाद का इतिहास क्या है, रोमांटिसिज्म का इतिहास क्या है? आज स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म का प्रयोग जिस प्रवृत्ति के लिए किया जाता है, वह मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी साहित्य में प्रकट हुई। मतलब स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म का प्रयोग जिस साहित्यिक प्रवृत्ति के लिए किया जाता है, उसका जन्म 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। इससे मिलती जुलती प्रवृत्ति इससे पहले भी विशेषकर एलिजाबेथन युग में दिखाई पड़ी थी। यह प्रवृत्ति सबसे पहले एलिजाबेथन युग में इंग्लैंड में दिखाई पड़ी थी। उस समय मध्ययुगीन समाज के प्रति आकर्षण और प्रेम तथा सौंदर्य के प्रति नई दृष्टि के रूप में उभरी थी, किंतु तब यह साहित्य के व्यापक प्रवाह के बीच एक धारा मात्र थी। एलिजाबेथन युग में जो सामंतवादी प्रथा थी, है ना, जो मध्ययुगीन समाज था, उसके प्रति इसे एक आकर्षण के रूप में देखा जाता था, परंतु उस समय जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उनके बीच में यह एकमात्र धारा मात्र थी। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को अक्सर स्वच्छंदतावाद का प्रस्थान बिंदु कहा गया। प्रस्थान बिंदु मतलब टर्निंग पॉइंट। 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उससे ही वास्तव में इसका उद्भव माना जाता है।
कुछ लोगों ने 1776 ईस्वी की अमेरिकी क्रांति का भी उल्लेख इसके मूल कारणों में किया है। 1776 में अमेरिका में भी यह क्रांति हुई थी। लोग कहते हैं कि रोमांटिसिज्म का जन्म इसके कारण भी हुआ, परंतु इसका सीधा अर्थ और तात्कालिक संबंध फ्रांसीसी क्रांति और उसके उत्प्रेरक विचारकों से है। लेकिन वास्तव में जो रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद है, इसका मुख्यतः संबंध किससे है? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी। और उसके विचारक कौन कौन से थे? इसमें वाल्टेयर और रूसो के विचारों का विशेष योगदान माना जाता है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के जन्म में या रोमांटिसिज्म के जन्म में जो सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, वे हैं वाल्टेयर और रूसो। उनका विशेष योगदान माना जाता है, यह इसका इतिहास है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति केवल राजनीतिक घटना ही नहीं थी, विचारों के क्षेत्र में स्वतंत्रता की वाहक समानांतर जीवन दृष्टि थी जिसकी प्रस्तावना रूसो ने की थी। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसका जनक रूसो को माना जाता है, तो रूसो ने क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का इन्होंने प्रचार किया, इसका समर्थन किया। रूसो की घोषणा थी कि मानव जन्म से स्वतंत्र प्राणी है जो हर जगह श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स, ऐसा सूत्र था जिसने पूरे यूरोप के मानस को आंदोलित कर दिया गया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के समय रूसो ने एक सूत्र दिया था, यह एक वो अपनी घोषणा की थी कि मनुष्य जन्म तो स्वतंत्रता स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन हर जगह हुआ नियम कानून और रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो इसने पूरे जनमानस को आंदोलित कर दिया। फ्रांस में समाज के प्रमुख सत्ता केंद्र थे। उस समय जो समाज था उसमें सत्ता के केंद्र कौन कौन से थे? राजा, सामंत और धर्माधिकारी। धर्माधिकारी मतलब चर्च के जो पादरी वगैरह हुआ करते थे। इनके खिलाफ संघर्ष का जो दौर आरंभ हुआ उसकी चरम परिणति फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हुई। इनके खिलाफ जनता ने आंदोलन कर दिया और इसकी परिणति किसमें हुई? फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हुई। जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 में, वैसी यह फ्रांसीसी क्रांति थी। लंबे संघर्ष के बाद मानव मुक्ति का स्वप्न इस क्रांति के रूप में साकार हुआ, जिसने यूरोप के साहित्य को ही नहीं बल्कि इतिहास, दर्शन, संस्कृति, संगीत, कला सभी को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया और मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों में नए उत्साह, आत्मविश्वास और चेतना का संचार किया। तो यह जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने केवल समाज को प्रभावित नहीं किया, साहित्य को प्रभावित नहीं किया, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति ने इतिहास, दर्शन, संस्कृति, संगीत सभी को व्यापक रूप से प्रभावित किया और मध्य वर्ग के जो बुद्धिजीवी थे उनमें नए उत्साह और आत्मविश्वास और चेतना का संचार किया। अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत सैद्धांतिक विवेचन से नहीं बल्कि कवि कर्म से हुई। अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म की शुरुआत किससे हुई? कवि कर्म से हुई, कविता से हुई। इसके प्रवृत्तियों का आभास बंस और ब्लेक, विशेष रूप से ब्लैक की कविताओं में मिलने लगा था, किंतु सही रूप में इसका प्रवर्तन वर्ड्सवर्थ, जिनका समय काल था 1770 से 1850, विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्हें नेचर पोएट कहा जाता है, और कॉलरिज के सहयोगी प्रकाशन लिरिकल बैलेट से माना जाता है। मतलब अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी कविता में रोमांटिसिज्म का जन्म लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन से माना जाता है, जो 1798 में प्रकाशित हुआ था, और यह दो कवियों की सहयोगी रचना थी, विलियम वॉर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। इस संग्रह के दो ही वर्ष बाद प्रकाशित दूसरे संस्करण की भूमिका प्रिफेस टू द लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है ना? जैसे पल्लव की भूमिका लिखी थी सुमित्रनंदन पंत ने, उसको छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, वैसे ही 2 साल बाद जो इनका लिरिकल बैलेट पुनः प्रकाशित हुआ तो इसके दूसरे संस्करण की भूमिका लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इसका नाम था प्रिफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। इसको ही स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है। जैसे हम सुमित्रनंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्धि जिन स्थापनाओं के कारण विशेष रूप से हुई, जिन परिभाषाओं के कारण इनकी प्रसिद्धि हुई, उनमें उनकी प्राय उद्धृत की जाने वाली काव्य परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कविता को प्रबल मनोवेगों का स्वतः स्फूर्त उच्चारण कहा है। कविता को परिभाषित करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि कविता क्या है? प्रबल मनोवेगों का स्वतः स्फूर्त उच्चारण है ना? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द इमोशंस रिकलेक्टेड इन द ट्रैंक्विलिटी, मतलब मन में जो प्रबल भावावेग जो उत्पन्न होते हैं, जो कविता के रूप में प्रस्फुटित हो जाते हैं, इसे ही कविता कहते हैं। स्वच्छंदतावादी रुझान का प्रभाव केवल अंग्रेजी कविता में ही नहीं, साहित्य की अन्य विधाओं में भी दिखाई पड़ा। स्वच्छंदतावाद केवल कविता का ही
गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं को भी रोमांटिसिज्म ने प्रभावित किया है। इस दृष्टि से वाल्टर स्कॉट का उल्लेख किया जा सकता है। वाल्टर स्कॉट ने अपने उपन्यासों में यथार्थ का रोमानी चित्रण कर उन्हें स्वच्छंदतावादी रंग दिया, जिसके कारण वे विशेष लोकप्रिय हुए। इस आरंभिक दौर में समीक्षा पर भी स्वच्छंदतावादी दृष्टि का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म ने केवल अंग्रेजी कविता को प्रभावित नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं वाल्टर स्कॉट, यह भी रोमांटिसिज्म के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, और समीक्षा जगत में भी आलोचना पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। स्वच्छंदतावाद दूसरे का इसका दूसरा चरण था 1798 से 1852 ईस्वी में, अपने पूरे निखार पर बायरन शैली किट्स जैसी रचनाकारों की कृतियों में ही आया। स्वच्छंदतावाद पूरी परिपक्वता के साथ कब आया? जब इसका दूसरा चरण आया, बायरन नाम के कवि हुए, शैली किट्स, इनकी कृतियों में यह परिपक्व रूप में दिखाई देने लगा। अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद के इतिहास को ब्लेक से बायरन तक सूत्र से अभिहित किया जाता है। तो अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्वच्छंदतावाद कहाँ से कहाँ तक प्रचलित रहा? ब्लेक से लेकर बायरन तक। अब हम देखते हैं स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं स्वच्छंदतावाद की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला, विद्रोह। विद्रोह स्वच्छंदतावाद का मूल आधार है, जिसकी मुख्य प्रेरणा राजनीतिक और सामाजिक अत्याचारी रूढ़ियों के खिलाफ मनुष्य की स्वतंत्रता की मांग करने वाली फ्रांसीसी क्रांति रही है। मतलब विद्रोह से इसकी शुरुआत हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति से इसकी शुरुआत हुई थी, जो जो सामाजिक जो रूढ़ियां थी, जो परंपराएं थी, उनका विरोध करना और मनुष्य की स्वतंत्रता का मांग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस क्रांति के प्रभाव ने उस दौर के रचनाकारों को राजनीति, धर्म, समाज और साहित्य के सभी प्रकार के रूढ़ियों से मुक्ति की प्रेरणा दी। साहित्य में यह विद्रोह जड़ता रूढ़ियों तथा अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं से लेखक की मुक्ति के प्रयास में दिखाई देता है। जैसे निराला जी कहते हैं कि छंद की मुक्ति में ही व्यक्ति की मुक्ति निहित है ना? तो वो छंद के बंधन से मुक्ति चाहते थे निराला जी, वैसे ही स्वच्छंदतावादी जो कवि थे, जो रोमांटिक कवि थे, वे भी जड़ता और रूढ़ियों तथा अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं से लेखक की मुक्ति के प्रयास में दिखाई देता है। ल्यूकस ने इसे अवचेतन का विद्रोह कहा है, अवचेतन मन का विद्रोह, यानी इन रचनाकारों की अंतरात्मा विद्रोह करती है, इसीलिए मुक्ति की ललक साहित्य की अंतर्वस्त्र तथा रूप दोनों स्तरों पर उपस्थित है। मतलब मुक्ति की जो कामना है, जो स्वतंत्रता की जो कामना है, जो इच्छा है, जो विद्रोह है, यह साहित्य के कंटेंट में, अंतर वस्तु में तथा रूप मतलब फॉर्म में स्टाइल में यह दिखाई देता है। विषय वस्तु के स्तर पर स्वच्छंदतावादी रचनाकारों ने उदात्त चरित्रों की गाथा गाने के स्थान पर साधारण मानव के सामान्य अनुभवों तथा अपने परिवेश और प्रकृति के सामान्य सहज रूपों को अंकित किया है। मतलब इसके जो नायक थे वे केवल बहुत महान वीर यह सब नहीं होना चाहिए, साधारण व्यक्ति आम जिंदगी में जिन्हें हम देखते हैं, जैसे निराला जी की कविता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक इसी प्रकार अपनी प्रकृति और परिवेश के सामान्य सहज रूपों को अंकित करना चाहते थे। इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन के अनेक नैसर्गिक चित्र, किसान, ग्राम बालाएं, ग्राम प्रकृति विषय वस्तु के रूप में स्थान लेती दिखाई पड़ती है। मतलब गांव के जो किसान हैं, जो प्राकृतिक दृश्य हैं, है ना, गांव की जो प्रकृति है, जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, दमित हैं, तो इनके कविताओं में स्थान लेती है। यह लोक संपर्क स्वच्छंदता का प्राण है, जो एक स्तर पर विद्रोही भी है, विद्रोह भी है, कृत्रिमता के विरुद्ध स्वाभाविकता और सहजता की प्रतिष्ठा के लिए विद्रोह। मतलब रोमांटिक जो काव्य है उसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है? सहजता, सरलता। भाषा भी आम जनजीवन में बोली जाने वाली भाषा, सहज सरल भाषा, जो कृत्रिम न हो, साधारण हो, हर व्यक्ति से समझ सके और महसूस कर सके। स्वच्छंदतावादी कवियों ने शैली और शिल्प के प्रयोग में भी इसी विद्रोही प्रवृत्ति का प्रमाण दिया। इन्होंने अपने अपने तरीकों से नए प्रयोग तो किए ही, साथ ही शैली और शिल्प के बारे में इनमें आपसी मतभेद भी रहे। यह वैविध्य और प्रयोगशीलता व्यक्ति स्वातंत्र का ही एक रूप है, जिसकी गुंजाइश अभिजात्यवाद के नियम अनुशासन में नहीं थी। मतलब प्रत्येक कवि स्वतंत्र था, प्रत्येक कवि की अपनी शैली थी, अपना अपना स्टाइल था। हाँ, जैसे महादेवी वर्मा जी का अपना स्टाइल है, निराला जी का अपना स्टाइल है, पंत जी का अपना स्टाइल है ना, और प्रसाद जी का संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली जैसे वो लिखते थे। तो इसी प्रकार जितने भी स्वच्छंदतावादी कवि हैं, रोमांटिक कवि हैं,
उनका अपना स्टाइल था, भले उनके आपस में मतभेद रहे लेकिन एक समानता थी उनमें। वह क्या समानता थी? किंतु एक बात जो इनकी विभिन्नता में समान है वह है सहज सामान्यता के प्रति रुझान, सहज और सरल भाषा के प्रति रुझान। पुरानी नपी तुली कृत्रिम भाषा जिसे पोएटिक डिक्शन से भिन्न यह भाषा अपनी विभिन्नता के बावजूद पढ़ने वाले से एक आत्मीय संवाद स्थापित करती है, उस पर अपनी विद्वता तथा गरिमा का रौब नहीं डालती। यह भाषा विषयानुरूप तथा भाव समृद्ध है। मतलब रोमांटिक कवियों किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहते थे? जो सहज हो, जो सरल हो, जो आम बोलचाल की भाषा हो, जिसमें कृत्रिमता ना हो, यह पाठक और जो कवि है उसके बीच में एक सहज सरल संवाद स्थापित करती है, आत्मीय संवाद स्थापित करती है। यह भाषा विषय के अनुरूप है तथा भावों से भरी हुई है, भावों से समृद्ध है। दूसरी है भाव प्रवणता, है ना, भावनाओं की प्रबलता या प्रवणता। भाव प्रवणता भी स्वच्छंदतावादी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। वर्ड्सवर्थ ने तो कविता की परिभाषा एक प्रबल मनोवेगों के सहज उच्छलन के रूप में की थी, मतलब बहुत ही तीव्र भावना का उच्छलन, मतलब छलक छलक कर बाहर आना। किंतु यह उच्छलन अनुशासनहीन भावातिरेक भावों की अधिव्यक्ति या अतिव्यक्ति नहीं था, परंतु यह इमोशन ऐसा नहीं था कि छलक छलक बाहर छलक छलक कर बाहर तो आ रही है भावनाएं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उस भावनाओं को कोई समझ ना सके जिसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग हो, बल्कि इसके पीछे सूक्ष्म संवेदनशीलता का आग्रह था जो कल्पना से युक्त होकर रचनाकार की आंतरिक अनुभूति को ईमानदारी से उद्घाटित करती थी। यह भावनाएं कैसी होनी चाहिए? कि रचनाकार की मन में जो भावनाएं हैं, रचनाकार की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको ईमानदारी से प्रकट करना, है ना, उसको प्रतिबिंबित करना बहुत ही सरल और सहज सरल शब्दों में। यह भाव प्रवणता और कल्पना शक्ति उन्हें आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा और क्षमता ही नहीं देती, बल्कि वह सहजानुभूति तथा समानुभूति भी देती है, जिससे वे आत्मेतर विषयों के अंतर में बैठकर उनकी भावनाओं और उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकें। मतलब यह जो भावों की प्रबलता है, प्रवणता है, यह कल्पना के साथ मिलकर उन्हें अपने आत्म की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते थे। और यह आत्माभिव्यक्ति कैसी होती थी? जिससे लोग साधारणीकरण कर पाए कि कवि ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दुख और दर्द को, उनकी कष्ट और पीड़ा को महसूस कर सके और उसे अपनी कविता में स्थान दे सके। ठीक वैसे ही कवि के मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो निराशा है, जो उल्लास है, जो उमंग है, उसको भी पाठक उसी प्रकार महसूस कर सके जैसा महसूस करके कवि ने उसे लिखा है। यह जीवन निरपेक्ष नहीं, जीवन सापेक्ष अनुभूति है। मतलब कविता क्या होनी चाहिए? जीवन से निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए, आम जनजीवन से दूर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के सापेक्ष होना चाहिए, जिंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। जिन वर्ड्सवर्थ ने कविता को प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन कहकर परिभाषित किया है, उन्हीं ने उसे मानव और प्रकृति की प्रतिछवि, मतलब कविता क्या होनी चाहिए? मानव और प्रकृति का प्रतिबिंब होना चाहिए। पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर कहकर उसकी जीवन निर्भरता का संकेत भी किया है। इसीलिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट, है ना, अच्छा, प्रकृति का चितेरा कवि कहा गया है। तीसरा, कल्पना। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। कल्पना को भी स्वच्छंदतावाद में बहुत महत्व दिया गया। इसे काव्य की विधायनी शक्ति के रूप में देखा गया जो स्थूल बाह्य जगत के अंदर स्थित सूक्ष्म भाव जगत को समझने में रचनाकार की सहायता करती है। मतलब जो स्थूल जगत है, जो हमारे आसपास का जो जगत है, उसके अंदर जो विराट सत्ता है ना, उसको समझने में रचनाकार की सहायता करती है। कॉलरिज ने तो कल्पना का विस्तार से सैद्धांतिक विवेचन करते हुए सामान्य व्यक्ति की कल्पना से बढ़कर कवि कल्पना का महत्व स्थापित किया है। मतलब कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है, इन्होंने व्यक्ति की कल्पना से कवि की कल्पना को अधिक महत्वपूर्ण माना है। जैसे कि महादेवी वर्मा है, प्रकृति में विराट सत्ता का दर्शन करती हैं, अपने जो अगोचर, जो अदृश्य, जो प्रेमी है उसकी कल्पना करती हैं, उस परम सत्ता का अनुभव करती हैं, तो वो कल्पना के माध्यम से करती हैं, वैसे ही यह कवि करते हैं। उन्होंने इसे सृजन, कॉलरिज ने क्या कहा है, इन्होंने इसे सृजन करणी आदि शक्ति तथा मस्तिष्क की सबसे अधिक प्राणवान क्रिया का दर्जा दिया है। कल्पना को, कल्पना के बिना मतलब कोई सृजन नहीं हो सकता। वे इसे काव्य की ऐसी संश्लेषणात्मक अलौकिक शक्ति मानते हैं जो कवि के संपूर्ण सृजन व्यापार को क्रियान्वित करती है। कल्पना की नवोन्मेषशालिनी क्षमता के बल पर कवि सामान्य तथा स्थूल वस्तु जगत के साक्षात्कार से भी एक अतींद्रिय अमूर्त रहस्यमय लोक में या किसी नैतिक और दार्शनिक सत्य तक पहुंच जाता है
और दूसरी ओर भावों तथा विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल्पना लगभग सृजन प्रक्रिया का पर्याय है, मतलब कल्पना के बिना किसी भी प्रकार का कोई सृजन नहीं हो सकता। कोई कविता कल्पना करके ही कविता लिखता है, और जो अदृश्य है, जो अगोचर है, उसको कल्पना के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करता है, और इस कल्पना के कारण ही वह नई नई चीजों को, नई नई बातों को सोच सकता है, उसके बारे में लिख सकता है। अतीतोन्मुखता, अतीतोन्मुखता मतलब अतीत के प्रति उन्मुख होना, अतीत के प्रति दृष्टिपात करना, दृष्टि डालना। स्वच्छंदतावादी रचनाकारों में मध्ययुगीन रोमांसों तथा रूढ़ियों के प्रति जबरदस्त आकर्षण मिलता है, जैसे कि आप जयशंकर प्रसाद में देख सकते हैं, इतिहास के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा लगाव है। इसी प्रकार स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं, रोमांटिक कवि हैं इंग्लैंड के, मध्ययुगीन रोमांस तथा रूढ़ियों के प्रति उनमें जबरदस्त आकर्षण मिलता है। इसका प्रमुख कारण है अपने वर्तमान की वास्तविकताओं से टकराहट, मतलब वर्तमान की वास्तविकता को पसंद नहीं करते, इसलिए अतीत की ओर दृष्टि डालते हैं। तर्क और बौद्धिक शुष्कता, मतलब उस समय जो अभिजात्यवाद था, जो क्लासिसिज्म था, शास्त्रवाद, उसमें तर्क और बौद्धिकता की बहुत ज़्यादा प्रचुरता थी, वह उबाऊ हो गई थी और कविता रूढ़ हो गई थी, कविता की काव्यशैली रूढ़ हो गई थी, इससे कवि छटपटाने लगा। और छटपटाहट में क्या हुआ, निकट वर्तमान से असंतुष्ट व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति यह होती है कि वह या तो अतीत गौरव को फिर से सजीव साकार करने का प्रयत्न करता है, या भविष्य के लिए स्वप्न निर्माण करता है। मतलब जो व्यक्ति अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, तो या तो वह अपने अतीत के गौरव को पुनः सजीव करना चाहता है, या फिर भविष्य के बारे में सोचता है, उसके बारे में कल्पना करता है, स्वप्नों का निर्माण करता है। दोनों ही स्थितियों में वह कल्पना के सहारे प्रत्यक्ष वर्तमान से एक अलग संसार रचता है। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में वह कल्पना के माध्यम से एक अलग संसार की रचना करता है। इन कवियों ने कल्पना की सहायता से मध्ययुग की चित्रमयता और रोमांस को सजीव किया। कॉलरिज और किट्स की कविता और वाल्टर स्कॉट के उपन्यासों में अतीत का पुनरावर्तन सबसे प्रबल रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब अतीत के बारे में कॉलरिज ने, या फिर किट्स ने, या फिर वाल्टर स्कॉट ने अपने उपन्यास में प्रमुखता से वर्णन किया है। इन कवियों ने अतीत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक गरिमा को अपने प्रगीतों में पुनर्जीवित किया है। प्रगीत मतलब लिरिक्स, खंड काव्य, परंतु यह अतीत का अनुकरण नहीं बल्कि पुनर्सृजन था। मतलब अतीत का इन्होंने केवल अनुकरण नहीं किया बल्कि उसका पुनर्सृजन किया, दोबारा सृजन किया। अद्भुत के प्रति आकर्षण, अद्भुत के प्रति आकर्षण जैसे आप महादेवी वर्मा में देख सकते हैं, या फिर आप कामायनी में देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का। मध्ययुगीन रोमांस के प्रति स्वच्छंदतावादियों की रुचि अद्भुत के प्रति उनके आकर्षण से भी पुष्ट हुई है। अद्भुत के प्रति इनके मन में प्रबल आकर्षण है। वाल्टर पेटर ने स्वच्छंदतावाद की एक विशेषता यह मानी है कि यह सौंदर्य में अद्भुत तत्व जोड़ता है। एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, है ना, जैसे कि महादेवी वर्मा ने जो प्रकृति का वर्णन किया है, या फिर उन्होंने जो अपने अदृश्य अगोचर परम सत्ता का वर्णन किया है, तो सौंदर्य में अद्भुत तत्व को उन्होंने जोड़ दिया है, वैसे ही है वाल्टर पेटर ने कहा है। वार्ड्स डेटर ने इसे अद्भुत का पुनर्जागरण, रेनेसा ऑफ वंडर कहा है, इन्होंने परिभाषित किया है। अद्भुत के प्रति यह आकर्षण कई रूपों में व्यक्त हुआ है। अपने तीव्रतम रूप में यह प्रवृत्ति अति मानवीय अलौकिक तत्वों की चर्चा में दिखाई पड़ती है। अति मानवीय मतलब जो परम सत्ता है, अलौकिक तत्व है, जो हमको दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है, अगोचर है, विशेषकर कॉलेज और स्कॉट की रचनाओं में यह देखा जा सकता है। अन्य रचनाकारों में यह कुतूहल, विस्मय तथा रहस्य के भाव में व्यक्त हुआ है। एक ओर उनकी रुचि विचित्र, अद्भुत और जादुई से प्रतीत होने वाले विषयों और वस्तुओं की ओर हो जाती है, तथा दूसरी ओर जाने पहचाने जीवन संदर्भों तथा वस्तुओं को नई दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं। एक तरफ तो वे अदृश्य और अगोचर का वर्णन करते हैं, और एक तरफ से जो स्थूल जगत में दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, आसपास की चीजें हैं, उसको भी वे नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर देते हैं। जगत के व्यक्त सौंदर्य में वे अव्यक्त सौंदर्य या अदृश्य सत्ता के दर्शन करने लगते हैं, जिसकी चरम परिणति रहस्य भावना में होती है, जैसा कि आप महादेवी वर्मा जी की कविताओं में देख सकते हैं, है ना। मतलब जगत का जो सौंदर्य है, उसके सौंदर्य को वे परम सत्ता के सौंदर्य के रूप में देखती हैं, और जिसकी परिणति किसमें होती है, रहस्य भावना में होती है। छायावादी कवियों में आप देख सकते हैं प्राय व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद विषयों को नई दृष्टि से देखने का अगला चरण था, बाह्य अनुभव से आंतरिक अनुभूति की ओर यात्रा। इस प्रवृत्ति और भावपूर्णता के प्रभाव से स्वच्छंदतावादी साहित्य ने स्वाभाविक रूप से व्यक्तिकता और आत्मपरकता को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया।
आत्म प्रत्यय या व्यक्तित्व क्या है? जब व्यक्ति बाह्य जगत से अपने अंदर के जगत की ओर मुड़ जाता है ना, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जो आंसू काव्य है और महादेवी वर्मा के अपने जो काव्य हैं, है ना, जो तुम आ जाते एक बार आंसू लेते हुए पथ पखार, इस टाइप की जो रचनाएं हैं जो बिल्कुल, या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, और निराला जी का जो काव्य है कि मतलब जो उनके उन्होंने लिखा है कि मेरे दिवस की मेरी जिंदगी की सांधे पहले आ रही है माया केला जो कविता, इस प्रकार की जो कविताएं हैं जो व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करती हैं। पिछले युग में पोप और मिल्टन जैसे रचनाकार भी परिचित स्थितियों तथा लोक प्रसिद्ध कथाओं को रचना का आधार बनाकर चल रहे थे। पहले जो कवि हुए थे पोप और मिल्टन, वे क्या है, पुराने लोक कथाओं को अपनी रचना का आधार बना रहे थे। स्वच्छंदतावाद ने वस्तुगत ज्ञान की तुलना में स्वानुभाव को अधिक महत्व दिया। वस्तुगत ज्ञान मतलब जो ज्ञान में पहले से उपलब्ध है, उस ज्ञान के बजाय उन्होंने खुद के अनुभव को अधिक महत्व दिया। इस युग के साहित्यकारों की रचनाओं में अभिजात्यवादी निर्वैयक्तिकता के स्थान पर रचनाकार की अपनी दृष्टि और अपनी अनुभूति सहज तथा आत्मीय रूप में व्यक्त हुई है। अभिजात्यवादी निर्वैयक्तिकता मतलब जो दूसरों से कोई मतलब नहीं रखता, जो अभिजात्यवादी हैं, जो बिल्कुल बहुत ही अमीर हैं, इसके स्थान पर रचनाकार की अपनी स्वयं की दृष्टि, अपनी स्वयं की अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया। रचनाकारों के अपने सुख दुख, नैराश्य, वेदना, उल्लास कविता और निबंधों के विषय बने हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो सुख है, जो दुख है, जो निराशा है, जो वेदना है, जो उल्लास है, जो खुशी है, वह उनकी कविता और निबंधों के विषय बने। इसीलिए इनके काव्य में विवेक के स्थान पर भावानुकूलता के साथ विषाद का भाव भी मिलता है। तो इनकी कविता में विवेक के बजाय क्या मिलता है, भावानुकूलता, बहुत ही ज्यादा इमोशन मिलता है, विषाद का भाव मिलता है, दुख निराशा का भाव मिलता है। यह भाव समाज तथा स्थितियों से संघर्ष के क्रम में संवेदनशील भाव प्रवण व्यक्ति मन की सहज प्रक्रिया है। मतलब सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उसके कारण उनके मन में जो निराशा का भाव है, उसी को उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है और अपनी रचनाओं और निबंधों में स्थान दिया है। रूसों के जन स्वतंत्र के आह्वान से गहराई तक प्रेरित यह सिद्धांत व्यक्ति और कवि की स्वतंत्रता को रचना कर्म के लिए अनिवार्य मानता है। रचना कर्म के लिए क्या जरूरी है, व्यक्ति और कवि का स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन कवियों ने जो साहस दिखाया है, वह पहले के कवियों में नहीं मिलता, क्योंकि यह स्वतंत्रता के पैरोकार हैं, स्वतंत्रता के समर्थक हैं, इसीलिए ये साहसी भी हैं। और इन्होंने जो साहस दिखाया है अपनी अभिव्यक्ति में, वह पहले के कवियों में दिखाई नहीं देता। इन कवियों ने स्वतंत्रता को मूल्य मानते हुए कथ्य तथा शिल्प दोनों स्तरों पर नए और मौलिक प्रयोगों की छूट ली। इन्होंने केवल कंटेंट में नहीं बल्कि उसके स्टाइल में, उसके फॉर्म में भी छूट लिया है। लिरिकल बैलेट की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता को स्पष्ट रूप से प्रयोग कहा है और उसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क भी दिए। लिरिकल बैलेट की जब भूमिका उन्होंने लिखा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, तो विलियम वर्ड्स ने कहा है कि उनकी कविता क्या है, प्रयोग है, और उसकी क्यों जरूरत है वह भी उन्होंने बताया। सौंदर्याभिमुखता मतलब सौंदर्य के प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा। स्वच्छंदतावाद ने गुरु गंभीरता के स्थान पर सौंदर्य को अधिक महत्व दिया है। मतलब कविता सिर्फ गंभीर नहीं होनी चाहिए, वह स्वांता सुखाय होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए, स्वांता सुखाय होनी चाहिए। किट्स ने सत्य तथा सुंदर को अभिन्न मानते हुए कहा है कि सौंदर्य ही सत्य है। किट्स का तो यहां तक कहना है कि सौंदर्य ही सत्य है। सौंदर्य इन कवियों के लिए केवल विषय नहीं है, उनका सौंदर्य दर्शन और सौंदर्य की नई दृष्टि अपने पूर्ववर्तियों और परवर्तियों से अलग है। मतलब चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे व्यक्ति का सौंदर्य हो, चाहे नायिका का सौंदर्य हो, इनको जो देखने की इनकी जो दृष्टि है, वह अपने पूर्ववर्ती कवियों से अलग है। यह नई सौंदर्य दृष्टि बाह्य जगत तथा प्रकृति में सौंदर्य का अन्वेषण करती ही है, कविता में भी बाह्य तथा आंतरिक सौंदर्य की आवश्यकता पर बल देती है। यह इस बात का तो समर्थन करती है कि जो जो हम देखते हैं, जो हमारा जो प्रकृति है, उसमें सौंदर्य का अनुसंधान करती है, खोज करती है। लेकिन यह कविता भी सुंदर होनी चाहिए, कविता बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से भी कविता सुंदर होनी चाहिए, अपने फॉर्म में, अपने स्टाइल में कविता सुंदर होनी चाहिए, इस पर बल देती है। इस सौंदर्य प्रेम तथा सौंदर्य जिज्ञासा को पेटर ने स्वच्छंदतावादी चेतना का मूल तत्व माना था। इन कवियों की दृष्टि सर्वत्र प्रेम और सौंदर्य की ओर जाती है, वह चाहे रूप रंग का सौंदर्य हो या मन वचन और कर्म का सौंदर्य,
मानव सौंदर्य को तो उन्होंने खुली आंखों से देखा ही, किंतु उनका सौंदर्य प्रेम प्रकृति के उन्मुक्त सौंदर्य के संसर्ग से उद्भूत हुआ है। शैली संपूर्ण प्रकृति को सौंदर्यमयी पाते हैं, जैसे आप सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, इनमें देख सकते हैं, इन्होंने हर जगह सौंदर्य का दर्शन किया है। आप महादेवी वर्मा में देख सकते हैं, इसी प्रकार आप सूर्यकांत त्रिपाठी नीला में देख सकते हैं आप, है ना, जूही की करी जैसी जो कविताएं हैं। अब प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, या जो चाहे हिंदी साहित्य का छायावाद हो, चाहे अंग्रेजी का रोमांटिक सी जमा हो, है ना, स्वच्छंदतावाद, रूसो ने मानव को प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के लिए पुकारा था, मतलब प्रकृति की ओर लौटो, रूसो का नारा था प्रकृति की ओर लौटो। स्वच्छंदतावादी रचनाकार प्रकृति की ओर एकाधिक रूपों में लौटे, सबसे पहले तो यह वापसी बनावटी सौंदर्य के तिरस्कार और प्राकृतिक रूपों के प्रति आकर्षण में दिखाई दी। औद्योगिक सभ्यता की विकृतियों और घुटन से व्याकुल इन संवेदनशील साहित्यकारों के लिए प्रकृति एक शरण स्थली थी। इन्होंने बनावटी सौंदर्य का तिरस्कार किया और प्राकृतिक और सहज सरल सौंदर्य का प्रचार किया। औद्योगिक सभ्यता के कारण जो विकृति उत्पन्न हो गई थी समाज में, और लोग इससे व्याकुल हो गए थे, घुटन हो गए थे, घुटन से व्याकुल थे, इसलिए इन संवेदनशील साहित्यकारों ने इन सबसे दूर प्रकृति को, प्रकृति का शरण ग्रहण किया। इसे उन्होंने बाह्य जीवन के सुंदर परिवेश के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के प्रेरणादायक तत्व के रूप में ग्रहण किया। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता टिंटन एबे में प्रकृति को धात्री, पथ प्रदर्शिका, संरक्षिका तथा अपने संपूर्ण नैतिक अस्तित्व की आत्मा के रूप में संबोधित किया। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता टिंटन एबे में प्रकृति को क्या बोला है? फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड, धात्री मतलब माँ जैसी, पथ प्रदर्शिका जो रास्ता दिखाती है, जो संरक्षिका है जो उसका रक्षा करती है, और उनके नैतिक अस्तित्व की आत्मा के रूप में संबोधित किया, मतलब बहुत ज्यादा महत्व दिया। बायरन, शेली और किट्स की कविता में भी प्रकृति अपने विविध रूपों में अभिव्यक्ति पाती है। प्रकृति में ये कवि अपने भावों का प्रतिबिंब भी देखते हैं और उसके रूपों तथा बिंबों के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को भी समृद्ध करते हैं। प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से वे अपने कविता को अत्यंत समृद्ध करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने एक्सप्रेशन को समृद्ध करते हैं। प्रकृति के साथ इन रचनाकारों का संबंध तब रहस्यानुभूति की सीमा का स्पर्श करने लगता है जब वे इसके माध्यम से अपने अंतर जगत की पहचान करते हैं या परम सत्ता का साक्षात्कार करते हैं, मतलब प्रकृति के माध्यम से जब ये परम सत्ता का साक्षात्कार करते हैं तब उनकी कविता रहस्यमयी हो जाती है, जैसे कि आपने महादेवी वर्मा की कविताओं में देखते हैं। प्रकृति को वे स्वतः पूर्ण समझते हुए उसे जीवन सत्ता तथा ईश्वरी ज्योति से प्रभासित मानते हैं। प्रकृति ने नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाती है और सत्य का साक्षात्कार कराती है, जैसे आप कामायनी में देख सकते हैं या फिर महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रायः आप परम सत्ता का साक्षात्कार करती हैं, वो तो उन्हें यह आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाती है और सत्य का साक्षात्कार करती है। इनकी भाषा और शिल्प की क्या विशेषता है? प्रकृति के प्रति झुकाव स्वच्छंदतावाद के भाषा शैली संबंधित सिद्धांतों में भी अभिव्यक्त होता है। हालांकि इस दौर के रचनाकारों में भाव, भाषा तथा शिल्प की अपार विविधता दिखाई पड़ती है, किंतु एक बिंदु पर यह सभी सहमत थे, ये सभी साया शिल्प और बाह्य अलंकरण के विरोधी थे, मतलब ये कविता में सहज सरल भाषा शैली के पक्षपाती थे और प्रयास पूर्वक कोई शिल्प नहीं होना चाहिए, जो स्टाइल है, जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है, सब सहज और सरल होना चाहिए। वे मानव के नैसर्गिक नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक मूल भावों का चित्रण सहज तथा आडंबरहीन भाषा शैली में करने के पक्षधर थे। वर्ड्सवर्थ ने तो बोलचाल की आम भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। अन्य रचनाकारों ने इस अतिवाद को भले ही स्वीकार न किया हो, परंतु काव्यास्वाद तथा भाव संप्रेषण के लिए सहज अकृत्रिम भाषा के प्रयोग को आवश्यक ठहरा। जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में उन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के बारे में कहा कि भाषा आम बोलचाल की सहज भाषा होनी चाहिए, जिसको साधारण व्यक्ति जो बोलते हैं, जो ग्राम में जो बोलचाल की भाषा है। भले सभी कवियों ने इसके स्वीकार नहीं किया इनके इस अवधारणा को, लेकिन उनका भी यह कहना था कि भाषा सहज और सरल होनी चाहिए और अकृत्रिम होनी चाहिए, जिसे हर व्यक्ति समझ सके। भाषा की सहजता से तात्पर्य भावों अथवा अभिव्यक्तियों की सपाटता से नहीं है। सभी स्वच्छंदतावादी रचनाकारों में सूक्ष्म अर्थ छाया को उद्घाटित करने के लिए भाषा और ध्वनि के संगीत का सुंदर उपयोग हुआ है, मतलब भाषा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल सहज सरल है, मतलब एकदम सपाट हो, बल्कि भाषा ऐसी होनी चाहिए
कि उसमें संगीत की लय होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए। सपाट गद्यात्मक कथन के स्थान पर वे सूक्ष्म व्यंजना और सांकेतिकता के महत्व पर बल देते हैं, जिससे काव्य में रहस्यात्मक सौंदर्य और दार्शनिकता के साथ साथ अभिव्यंजना शक्ति भी बढ़ जाती है। छंद प्रयोग में भी इस युग के कवि का स्वतंत्र भाव स्पष्ट है। पिछले युग के सधे बंधे अनुशासित तुकांत हीरोइक कपलेट के स्थान पर इन्होंने कोमल मधुर प्रगीत लिरिक या फिर मुक्त छंद फ्री वर्स ब्लैंक वर्स को अपनाया तथा उसकी अपार क्षमता को उद्घाटित किया। इसके पहले हीरोइक कपलेट लिखा जाता था, चार चार पंक्तियों का जो होता था अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में छंद होते हैं, दोहा दोहा होते हैं, चौपाई होते हैं, वैसे हीरोइक कपलेट है। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, फ्री वर्स मुक्त छंद, जिसकी वकालत निराला जी ने भी की है, मुक्त छंद की उन्होंने वकालत की है। तो ये जो इतने भी रोमांटिक कवि थे, उन्होंने फ्री वर्स या मुक्त छंद को अपनाया। इन्होंने अन्य छंदों का प्रयोग भी किया, परंतु अपने ही ढंग और मिजाज से, क्योंकि ये स्वतंत्रता पर बल देते हैं, इन सब चीजों से मुक्ति चाहते हैं, नियम कानून से। स्वच्छंदतावादी काव्य अपनी विपुल प्रगति सृष्टि के कारण पहले और बाद के कवियों के बीच एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह विशिष्टता बाह्य रूप भर की नहीं है। इन्होंने प्रगीत लिखे, लिरिक्स लिखे, इन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा। वस्तुतः तीव्र अनुभूति और भावावेग से प्रेरित इन रचनाओं में आंतरिक संगीत का प्रवाह है, भाषा की गतिशीलता है और साथ ही भाव की केंद्रीयता तथा एकाग्रता है। इन कवियों ने प्रबंधों की रचना भी की है, परंतु वह इनकी प्रिय विधा नहीं है। इन्होंने प्रगीत लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं, जिसको गाया जा सकता है, जिसको संगीत में ढंग से गा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ प्रबंध काव्य या महाकाव्य की भी रचना की, लेकिन यह इनकी प्रिय विधा नहीं है। भाषा और छंद की नवीनता के साथ स्वभावतः इन कवियों का बिंब विधान भी अपनी मौलिकता तथा ताजगी के कारण आकर्षित करता है। इनका प्रतीक या बिंब विधान भी नवीन है, मौलिक है। इन्होंने अपने बिंबों का चयन प्रकृति से तो किया ही, बिंब मतलब होता है इमेज, इसके अतिरिक्त जनमानस में संचित लोक गाथाओं के बिंबों को भी कविता में उतारा। यह प्रतीक क्या है, बिंब क्या है, इनके ऊपर मैं एक अलग से एपिसोड लेकर आऊंगा। इसके अतिरिक्त मध्ययुगीन सुरमाओं, परियों, चर्च चैपल मतलब फादर आदि से संबंधित बिंबों का भी इन्होंने उपयोग किया। सारांश में इनकी कविता अपनी बिंब धर्मिता के कारण ही नहीं, बल्कि बिंबों की विविधता और मौलिकता के कारण अपनी अलग पहचान रखते हैं। इन्होंने प्रकृति से भी बिंब उठाया, लेकिन इनके जो बिंब हैं उनमें विविधता है, मौलिकता है, इस कारण ये अलग पहचान रखते हैं। अब हम देखते हैं उपसंहार। स्वच्छंदतावाद 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान लगभग संपूर्ण यूरोपीय कला जगत, विशेष रूप से साहित्य में व्याप्त ऐसा आंदोलन है जिसका उदय नव्य शास्त्रवाद मतलब नियो क्लासिसिज्म की निर्जीव और रूढ़ होती कला पद्धतियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। मतलब जब कोई वाद बहुत ही रूढ़ हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो उसके स्थान पर उसके विरोध में एक नया वाद आ जाता है, तो नियो क्लासिसिज्म के विरोध में यह आया था। स्वभावतः इसमें वैयक्तिक प्रतिभा मतलब इंडिविजुअल टैलेंट और कल्पना से प्रेरित, इमेजिनेशन से प्रेरित मौलिक रचनात्मकता और नए प्रयोगों पर विशेष बल दिया है ना, जैसे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है हमारा, वैसा ही इसमें नए नए प्रयोगों को पर बल दिया गया। साहित्य और कलाओं के प्रति इस दृष्टिकोण को प्रेरित करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना फ्रांस की जन क्रांति थी। मतलब रोमांटिसिज्म के उदय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, फ्रांस की जन क्रांति थी जो 1789 में हुई थी। इसके पीछे ज्यां ज्यां मतलब ज्यां पाल सात्र, जॉक रूसो जैसे विचारकों का चिंतन था। फ्रांसीसी चिंतक थे, वे व्यक्ति के स्वातंत्र की मांग करते हुए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दे रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्रांति की सफलता ने इस मांग की वैधता पर जैसे मोहर लगा दी और यह अभिव्यक्ति के विविध रूपों में प्रतिफलित होने लगी। यह क्रांति सफल हो गई, जिसके कारण इसने केवल साहित्य को ही नहीं बल्कि संस्कृति को, इतिहास को, कला को, संगीत को, सबको प्रभावित किया। स्वच्छंदतावाद किसी एक बंधे बंधे ढांचे में नहीं, नाना रूपों में प्रकट हुआ। मतलब केवल इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, कोई बंधा बंधा ढांचा नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में यह प्रकट हुआ। फ्रांस में, जर्मनी में और इंग्लैंड में इसके तीन अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं, जिनकी विविधता में भी समानताएं हैं। मतलब इनमें विविधता तो है, लेकिन सबसे प्रमुख बात क्या है, इनमें समानता भी है। और समानता क्या है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, कल्पना को महत्व देते हैं। इसमें मुख्य और सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य की धारा है,
अंग्रेजी साहित्य का जो स्वच्छंदतावाद है, रोमांटिसिज्म है, यह प्रमुख है, यह प्रमुख साहित्यिक धारा है जिसकी व्याप्ति ब्लेक से बायरन तक स्वीकार की गई है। मतलब ब्लेक से बायरन तक रोमांटिक कवि माने जाते हैं। ये इस इतिहास के दो छोरों पर भले ही कवि हो, परंतु इस प्रवृत्ति का प्रभाव कविता के अलावा निबंधों और उपन्यासों पर भी दिखाई दे पड़ता है, साथ ही समीक्षा पर भी। मतलब रोमांटिसिज्म ने केवल कविता को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उपन्यास को, निबंध लेखन को, समीक्षा को भी इसने प्रभावित किया है। विविधता के बीच स्वच्छंदतावाद की समान विशेषताएं ही उसकी पहचान निर्धारित करती हैं। भले इसमें विविधता तो है, अलग अलग धाराओं में, जो फ्रांस में, जर्मनी और इंग्लैंड में स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म की अलग अलग धाराएं थी, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं भी थी। और वो ये विशेषताएं क्या थी? वैयक्तिकता, अव्यक्तिकता मतलब इंडिविजुअल फीलिंग्स एंड इमोशंस, अनुभूति प्रवणता, अनुभूति की प्रबलता, अद्भुत के प्रति आकर्षण, कल्पना की प्रधानता, अतीतोन्मुखता, अतीत के प्रति लगाव, सौंदर्याभिमुखता, सौंदर्य के प्रति लगाव और सौंदर्य वर्णन, प्रकृति प्रेम और अभिव्यंजना शिल्प की प्रयोग धर्मिता, मतलब इनका जो स्टाइल था, जो फॉर्म था, इसमें नए नए प्रयोग करना। हिंदी में आधुनिक युग में छायावाद को स्वच्छंदतावाद के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसे पश्चिमी ढंग का स्वच्छंदतावाद नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य का जो छायावाद है वह इससे प्रभावित तो जरूर है, रोमांटिसिज्म से या स्वच्छंदतावाद से, लेकिन हिंदी के छायावाद को आप पूरी तरह से आप अंग्रेजी के स्वच्छंदतावाद के रूप में नहीं देख सकते, नहीं मान सकते। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस अवधारणा को भलीभांति समझ लिया होगा, और यह जो नोट्स है यह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा PDF के रूप में, ताकि आप लोग इसे परीक्षा में बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। यदि मेरा यह आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।